सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस देश में बनाए जाने वाले पहले आरआरटीएस लाइन का काम दिखाने वाला हूं। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं फेज वन का, जो कि इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और जिसके ऊपर हम और आप अगले साल यानी कि मार्च 2023 से ट्रेवल कर सकते हैं। किलोमीटर का जो पार्ट है वो इसी साल तक बनकर तैयार होना है और आज इसी 17 किलोमीटर पार्ट के ऊपर हम और आप काम देखने वाले हैं। अभी जो मेजर काम करना है वो स्टेशन के ऊपर ही करना है, तो इसीलिए इस 17 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले सभी स्टेशन का आज काम हम और आप मिलकर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। इसी जगह से स्टार्ट होगा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। ये इस आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला है जिसे कि नाम दिया गया है साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन। स्टेशन के नीचे अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से पिलर्स जो है वो बन चुके हैं। पिछली बार यहाँ पर पिलर्स को जो सपोर्ट दिया गया था वो भी यहाँ से हटा लिया जा चुका है। ऊपर अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और आधे हिस्से पे अभी फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जाना है। तो सरिया यहाँ पर डाल दिया जा चुका है, अब कंक्रीट के मसाले की मदद से फ्लोर तैयार करने का जो काम है वो किया जाएगा। मेजर जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्टेशन का जो स्ट्रक्चर होने वाला है जहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये स्टेशन का होने वाला है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो देख रहे हो वो होने वाला है प्लेटफॉर्म का। साहिबाबाद से जब आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो ये लाइन यहाँ से राइट को हो जाती है और फिर इंडियन रेलवे की लाइन को क्रॉस करने के बाद गाजियाबाद को जाएगी। तो ये है दोस्तों गाजियाबाद आरआरटीएस का स्टेशन। स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इस पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है नीचे अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है। इसी वजह से यहाँ पर जो हमें पिछली बार स्टील का फ्रेम दिखता था जिसकी मदद से इसको सपोर्ट दिया गया था वो हटा लिया जा चुका है। यहाँ पर स्टील गर्डर्स दिया गया है और ये स्टील गर्डर्स इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ पर मेट्रो की लाइन है और एक फ्लाईओवर है जिसको कि ये क्रॉस कर सके, और इसको डालने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा काम भी आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार जब हम और आप आए थे तो यहाँ पर स्टील गर्डर के ऊपर फ्लोर तैयार करने का काम किया जा रहा था, आज अगर आप देखोगे तो वो काम कर लिया जा चुका है। आगे अगर आप बढ़ोगे मेरठ की तरफ तो यहाँ पर सरिया पूरी तरीके से डाल दिया जा चुका है, अब इसको कंक्रीट के मसाले की मदद से ढालकर तैयार करने का काम किया जा रहा है। राइट हैंड साइड में इसके देखोगे तो ये है
गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन से इस आरआरटीएस के स्टेशन के बीच की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। यहाँ पर एक एफओबी का निर्माण किया जाएगा, फुट ओवर ब्रिज का, जिसकी मदद से आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि मेट्रो से आरआरटीएस पे आ सकते हैं। इस तरफ देखेंगे साहिबाबाद की तरफ, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अब इसके ऊपर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है। ऊपर का ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म का होने वाला। मैं इससे आगे आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि इसके बाद जो स्टेशन होने वाला है, जो कि है गुलधर का, उस पे कितना कुछ काम हुआ है। अब तो गुलधर का जो स्टेशन है ना, वो आपको इस फ्लाईओवर पे जैसे ही कनेक्ट करोगे यहीं से दिख जाता है। दोनों जो मैंने आपको स्टेशन दिखाए हैं, साहिबाबाद और गाजियाबाद, उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा काम इसी पे हुआ है, गुलधर पे। स्टेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, अगर ऊपर मैं दिखाऊँ प्लेटफॉर्म पे, तो पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया जा चुका है। यहाँ पर ट्रैक भी जो डाला जाना था उसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से ट्रैक डाला गया था उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो गुलधर आरआरटीएस स्टेशन अगर आप लिखोगे तो वो अपडेट आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर ट्रैक डाला जा रहा है। अब नीचे वाले हिस्से पर अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर स्टेशन का पार्ट होने वाला है, तो इस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है, यानी कि कंक्रीट का जो वर्क है, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेशन के अंदर जो फिनिशिंग वर्क है उसका काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ पेंट वर्क भी किया जा रहा है। वैसे ये स्टेशन कैसा दिखेगा और कितना बड़ा दिखेगा ना, अब नजर आता है, क्योंकि स्टील का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लगा दिया जा चुका है, फ्रेम पूरी तरीके से लग चुका है। पिछली बार ये थोड़े ही बचे थे जो कि लगाए जाने थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छे खासे ये कनेक्ट कर लिए जा चुके हैं, इनफैक्ट पूरे कर लिए जा चुके हैं। दुहाई में आपका स्वागत है, और ये जगह है जहाँ पर दुहाई का स्टेशन बनाया जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो लाइन आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड का जो आप देख रहे हैं ये है जो कि आगे जाएगा मिरर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड का जो आप देख रहे हैं ये जाएगा डिपो को। और इसके स्टेशन पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम हो चुका है, इनफैक्ट इसके ऊपर फ्लोर तैयार करने का भी काम कर दिया जा चुका है। जी हाँ, और अब वैसे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशन का जो पार्ट है ये बड़ा ही शानदार दिखता है।
ये जो जगह है दोस्तों, ये है दुहाई। यहाँ पर ये स्टील का ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस जगह पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इसे क्रॉस करना है। पिछले बार के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर काम तो बहुत अच्छा खासा हुआ है। और लास्ट टाइम जो इसका मैंने अपडेट दिया था और इस वक्त का अगर आप देखोगे तो फर्क साफ दिखता है कि इस पे अच्छा खासा काम हुआ है। पिछली बार इस जगह पर लॉन्चर सेटअप किया गया था ब्रिज के ऊपर और तैयारी की जा रही थी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्चर ब्रिज से काफी आगे जा चुका है और 3 पिलर्स हैं जिनको कि ये कंप्लीट कर चुका है और आगे मेरठ की तरफ जा रहा है। इतना ही नहीं, रुको जरा, आगे देखोगे तो पिछली बार हमें लॉन्चर नहीं दिख रहा था, यहां पर एक और लॉन्चर यहां से 200 मीटर आगे इंस्टॉल कर दिया है और उसकी मदद से भी पिलर्स को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और कौन से पिलर? ये जो बीच के बच रहे हैं यही, जी हाँ, क्योंकि वो लॉन्चर आ रहा है गाजियाबाद की तरफ, ये लॉन्चर जा रहा है मेरठ की तरफ और ये दोनों मिलकर बीच के ये जो हिस्से हैं इनको कनेक्ट करेंगे। वाह, इस जगह पर L&T काम कर रही है। और हाँ, मजे की बात बताऊं, ये जो ब्रिज देख रहे हो इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट देख रहे हो ये 2025 में स्टार्ट होगा और राइट हैंड साइड का जो पार्ट देख रहे हो ये 2023 में स्टार्ट होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले काम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यही 2023 में स्टार्ट होने वाला है। L&T भी यहां पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है भाई। इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T और राइट हैंड साइड में जो कंपनी काम कर रही है वो है EPCO। ऐसा काम तो आपको इसी परियोजना के ऊपर देखने को मिलेगा। हर बार इस पे कुछ नया देखने को मिलता है और हर बार हमारी आपकी कल्पना से ज्यादा ही काम होता है। चलो, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, हैप्पी वीकेंड। इससे अच्छा वीकेंड क्या हो सकता है भाई, इतना सारा काम इस परियोजना के ऊपर आपको देखने को मिल गया है तो आज का दिन तो अच्छा होने ही वाला है, आपका भी और मेरा भी।